महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह जी के बलिदान दिवस को समूचा राष्ट्र शौर्य दिवस के रूप में मना रहा है। आज जिला मुख्यालय में अवस्थित मिशन बालिका उच्च विद्यालय में बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री कृष्णानंद त्रिपाठी, पूर्व नगर अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह, समाज सेवी अबू बसर सिद्दीकी सहित उपस्थित गण्यमान्य जनों के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी अनिल कुमार सिंह ने की। मौके पर आगंतुकों ने बाबू वीर कुंवर की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं अतिथियों के हाथों सेनानायक की शौर्य गाथा लिखी पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस विशेष मौके पर वक्ताओं ने कुंवर साहब की अद्भुत वो हैरतअंगेज पराक्रम गाथा को सुनाकर उपस्थित लोगों को रोमांचित कर दिया। कहा कि उन्होंने संसाधनों का अभाव होने के बावजूद भी अंग्रेज अफसरों से लोहा लिया और उनके छक्के छुड़ा दिए। कहा कि सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार प्रांत का प्रतिनिधित्व कर बाबू वीर कुंवर ने अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता से लोगों को चकित कर दिया और जीवन पर्यंत अंग्रेजों को छकाते रहे। वक्ताओं ने कहा कि देशभक्त बाबू वीर कुंवर सिंह सर्वधर्म संभाव के लिए मिसाल रहे और आज उनके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता पर वक्ताओं ने विशेष रूप से बल दिया। यहां इस शहर में वीर कुंवर सिंह जी का स्वर्ण दिवस मनाने के लिए यहां एकत्रित हुए। वीर कुंवर सिंह जी एक स्वर्ण पुरुष थे, नेशनल हीरो थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जननायक तो थे ही, वो सेनानायक भी रहे। पूरे बिहार का नेतृत्व उन्होंने किया। अंग्रेजों का एक छोटी सी रियासत जगदीशपुर के रहने वाले बाबू कुंवर सिंह ने अपनी सार्वजनिक शक्ति से पूरे बिहार के छोटे मोटे राजाओं जमींदारों को अंग्रेजों के खिलाफ एकत्रित किया, उन्हें संगठित किया और लड़ाई लड़ी। आपको आश्चर्य होगा कि संसाधनों के घोर अभाव के बावजूद वे अंग्रेजों के लिए बराबर एक सिरदर्द बने रहे और उन्होंने चार चार अंग्रेज कमिश्नरों को एक साथ छक्के छुड़ा दिए, उनके नाक में दम कर दिया, क्योंकि वो गुरिल्ला युद्ध के बहुत बड़े महारथी थे। आमने सामने की लड़ाई में आप जानते हैं कि अंग्रेजों के पास बारूद थी, बंदूकें थी, उनके विरुद्ध तलवार लेकर खड़ा होने वाले भारतीय सिपाहियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उनकी मारे भी जाते थे, सही